श्योपुर से खबर, जहां पर अटल प्रोग्रेस वे में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि इस ज्ञापन में किसानों ने निम्न शर्तें रखी कि चंबल एक्सप्रेस वे में आने वाली जमीन का पूरा मुआवजा मिले, दोगुनी वाली कीमत की जमीन दे दी जाए। साथ ही किसानों ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन को पटवारी सरकारी रखवा कर बताकर जमीन अधिग्रहण करा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और किसानों का कहना है कि जो उनकी जमीनें दी जा रही हैं वो उपजाऊ जमीन नहीं है। किसानों का कहना है कि हमें उपजाऊ जमीन के बदले उपजाऊ जमीन दी जाए और पूरा मुआवजा दिया जाए। ऐसे में अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम रोड निर्माण का कार्य नहीं होने देंगे। चंबल एक्सप्रेस वे में आने वाली जमीनों का पूरा मुआवजा दिया जाए। सरकार से ऐसी मांगों को रखते हुए हजारों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम इसे लेकर आंदोलन करेंगे। किसानों के साथ क्षेत्रीय विधायक बाबू जांडेल भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सरकार के नाम ज्ञापन दिया और किसानों को आश्वासन उन्होंने दिया और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे, सरकार को पूरा मुआवजा लेंगे। क्या मामला है, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा? आज हमारा पहला मुद्दा अटल एग्रो एक्सप्रेस जो रोड का जो मुद्दा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिला में और प्रदेश में विकास होना चाहिए और मैं एक प्रतिनिधि के होने के कारण हमारे क्षेत्र की मेरे जिला की जनता केवल जमीन पे निर्भर है। 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ये किसानों के पास है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, तो किसानों का मुद्दा है कि हमें विकास में तैयार है, जमीन देने में तैयार है। अगर सरकार हमें मुआवजा दे तो हम कहीं भी जाके जमीन खरीद लेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। और जो इसमें सिस्टम बना, रूलिंग बनी, उसमें एक ही प्रोजेक्ट है, राजस्थान सरकार मुआवजा दे रही है 9 लाख रुपए बीघा, 1 एकड़ का 18 लाख। जो अच्छी भूमि है, जो कीमती भूमि, उस हिसाब से